ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज का जो फ्यूचर है वो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, और ऑटो एक्सपो में हम देख सकते हैं कि काफ़ी सारे मैन्युफैक्चरर्स इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाने की इस दौड़ में लग भी चुके हैं। जैसे स्विच का ये इलेक्ट्रिक व्हीकल हम देख सकते हैं। अगर हम इसके फ्रंट की बात करें तो आप देख सकते हैं कि एक काफ़ी बड़ी विंडस्क्रीन यहाँ पे हमें मिलती है, मतलब अंदर का जो ड्राइवर है उसको क्लियरली सब दिखेगा। इसको क्लीन करने के लिए यहाँ पे हमें दो वाइपर्स गिवन है, और इधर हमें दो बड़े बड़े हेडलैम्प्स भी मिल जाते हैं। नीचे हमें मिलता है एक बड़ा सा बम्पर, और यहाँ पे हमें फॉग लैंप्स भी गिवन है, और इधर हमें मिलती है एक बड़ी ही छोटी सी ग्रिल। अब अगर इसके साइड प्रोफाइल की हम बात करें तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि साइड में ऐसे ज़्यादा कुछ तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे हमें एक इंडिकेटर मिल जाता है, इधर हमें एक डोर वगैरह मिल जाता है, और यहाँ पे डोर को खोलने के लिए हैंडल मिल जाता है। अब अगर इसके इंटीरियर की बात करें हम, तो सबसे पहले डोर की बात करते हैं, तो यहाँ पे हमें वाटर होल्डर मिल जाता है, इधर हमें स्पीकर मिल जाता है, यहाँ पे कुछ सामान रखने के लिए जगह मिल जाती है। अब अगर इसके अंदर आए तो यहाँ पे हमें एक फुट रेस्ट मिल जाता है चढ़ने के लिए। अब अगर इसके अंदर आए तो बड़े ही आराम से जो ड्राइवर है वो इधर बैठ सकता है। यहाँ पे हमें सबसे पहले तो डिजिटल इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर मिलता है, और यहाँ पे हमें एक पावर स्टीयरिंग मिल जाती है, और इधर हमें मिलती है एक डिजिटल स्क्रीन जो आई गेस रियर कैमरा वगैरह का व्यूज़ वगैरह दिखाती है, और बाकी सारे फीचर्स यहाँ हमें मिलते हैं। इधर हमें एसी के ब्लोअर्स मिल जाते हैं, यहाँ पे बड़े सारे कंट्रोलर्स के जो बटन होते हैं वो मिल जाते हैं। इधर हमें मिलता है 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट, और यहाँ पे हमें जो गाड़ी को रिवर्स न्यूट्रल वगैरह में करने के लिए जो बटन्स होते हैं वो मिल जाते हैं। इधर हमें थोड़ा सा स्पेस मिल जाता है जहाँ पे हम कुछ सामान वगैरह रख सकते हैं। इधर हमें बढ़िया सा हैंड रेस्ट मिल जाता है, और यहाँ पे अगर को पैसेंजर की साइड की बात करें तो सबसे पहले तो यहाँ एक कंफर्टेबल सीट हमें मिलती है, इधर हमें एसी का एक और ब्लोअर मिल जाता है, और यहाँ पे कुछ भी सामान वगैरह रखने के लिए जो लॉकेबल बॉक्सेस हैं वो हमें मिल जाते हैं। इधर हमें सनवाइज़र मिलता है, यहाँ पे दोनों तरफ सनवाइज़र्स मिलते हैं, यहाँ पे हमें एक बल्ब मिलता है और एक मिरर भी मिल जाता है। तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी कुछ इस कैबिन में देने की कोशिश की गई है, और एक ये बहुत ही ज़बरदस्त कैबिन यहाँ हमें मिलता है। आइए अब उतरते हैं और गाड़ी के साइड प्रोफाइल की बात करते हैं। अगर हम यहाँ की लोड बॉडी की बात करें तो आप देख ही सकते हैं कि काफ़ी बड़ी लोड बॉडी हमें इस ट्रक के साथ मिलती है। ये 335 क्यूबिक फीट की लोड बॉडी है, जिसमें आई गेस काफ़ी सारा सामान एक बारी में ले जाया जा सकता है। अगर इसके टायर की बात करें तो यहाँ पे हमें मिलते हैं सीएट के टायर, जिनकी जो डायमेंशन है वो है 215/75R15 के टायर्स हमें यहाँ पर मिल जाते हैं। और इसकी जो चेसी है वो भी आप देख सकते हैं कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग चेसी हमें इसके साथ देखने को मिलती है। अगर इसके बैक की बात की जाए तो यहाँ पे हमें जो जो एलईडी वाले हैं टेल लैंप्स वो मिल जाते हैं, और इधर हमें पार्किंग सेंसर्स भी यहाँ पे गिवन है। अब अगर इसके दूसरी साइड प्रोफाइल की बात करें तो यहाँ पे भी हमें टायर मिल जाता है। अगर हम यहाँ की साइड पर, तो यहाँ पे भी बिल्कुल सेम ही है। तो हाँ, हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो कहीं ना कहीं ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज का फ्यूचर है, वो एक बहुत ज़बरदस्त इलेक्ट्रिक कमर्शियल व्हीकल स्विच ने यहाँ पे ऑटो एक्सपो में शो किया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही किसी भी ट्रक की इन्फॉर्मेशन सबसे पहले लेने के लिए ट्रक जंक्शन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें।